नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पी के मिलियन पर। और आज मैं लाया हूँ राजस्थान जी के टॉप 50 क्वेश्चन। दोस्तों ये क्वेश्चन आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना और ध्यान से देखना और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने 50 में से कितने क्वेश्चन सही किए। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला सवाल है, भरतेश्वर बाहुबली राज किसकी रचना है? जो भरतेश्वर बाहुबली राज है वो निम्न में से किसकी रचना है? शालीभद्र सूरी, ब्रजसेन सूरी, जिन कुशल सूरी या विजयसेन सूरी? तो कमेंट जरूर बताइएगा अपना आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लड़कों के कमेंट आए हैं, मैसेज आए हैं कि आप वीडियो को लंबा करते हैं, तो मैं इसलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करूँगा और ज़्यादा से कम टाइम में वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। राज प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? महेश भट्ट, देवपाक, कृष्ण भट्ट या रणछोड़ भट्ट? जो राज प्रशस्ति है वो राजसमंद झील के किनारे लिखी गई थी, तो इसकी जो रचयिता थे वो कौन थे? राज प्रशस्ति जो विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है, तो इसके राइट आंसर हो जाएगा रणछोड़ भट्ट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। बांसवाड़ा पूजन में किस देवी की पूजा की जाती है? जो बांसवाड़ा पूजन होता है उसमें किस देवी की पूजा की जाती है? जीड़ माता की, मनसा माता की, आवड़ माता की या शीतला माता की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शीतला माता। चलिए अगला क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। रमजोल आभूषण कहाँ पहना जाता है? पाँव में, गले में, हाथ में या नाक में? जो रमजोल आभूषण है वो शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पाँव में। इसे स्त्रियाँ पहनती हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। राग मंजरी के रचनाकार कौन थे? जो राग मंजरी है उसकी रचना किसने की थी? माणा कुम्मा ने, सारंग देव ने या पुंडरक विट्ठल ने या लोचन ने? तो कमेंट में आंसर जरूर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पुंडरक विट्ठल। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। रम्मत क्या है? गायन शैली है या लोकगीत है या लोक नृत्य है या लोक नाट्य शैली है? तो रम्मत है ये बहुत ही पुरानी होती है, ये पुरानी लोक नाट्य शैली है जिसमें रम्मत में लोगों द्वारा नाट्य के द्वारा लोगों को पुरानी जो कथाएं होती हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, राठ क्षेत्र किस जिले में स्थित है? जो राठ क्षेत्र है वो किस जिले में स्थित है? अलवर में, धौलपुर में, करौली में या भरतपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आप दीजिए कमेंट में। इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन ए, अलवर। जो राठ क्षेत्र है वो अलवर में स्थित है। राजस्थानी नाटक केशव विलास के रचनाकार कौन थे? विजय दान नेता, याग्निवेंद्र शर्मा चंद्र या शिवचंद भरतिया या जयसिंह नीरज? तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवचंद भरतिया, जो राजस्थानी नाटक केशव विलास के रचनाकार हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। गोपी चंद भरतहरि के भजनों का गायन किस जाति के द्वारा किया जाता है? जो गोपी चंद भरतहरि हैं उनके भजनों का गायन किस जाति के द्वारा किया जाता है? कामड़ जाति, भाट जाति, सांसी जाति या जोगी? तो इसका राइट आंसर दिए क्वेश्चन नंबर 9 का, इसका राइट आंसर हो जाएगा जोगी जाति। जो जोगी जाति है उसके द्वारा भजनों का गायन किया जाता है गोपी चंद भरतहरि के, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? हेनरी लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉन लुडलो या चार्ल्स मेटकॉफ? मैं वो दोस्तों बता दूं, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को आप जरूर याद कर लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के AGG गवर्नर टू जनरल थे। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। राव राजा तुलाराम के साथ नसीबुद्द युद्ध 16 नवंबर 1857 में हुआ था, मैं राजस्थान के क्रांतिकारी ने साथ दिया। इसमें राजस्थान के जो कौन से क्रांतिकारी जिन्होंने नसीबुद्द युद्ध में साथ दिया? ठाकुर शिवपाल सिंह, ठाकुर खुशाल सिंह, हीरा सिंह या अनाड़ सिंह? तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ठाकुर शिवनाथ सिंह। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ पढ़ते हैं। मानगढ़ धाम किस जिले में स्थित है? जो मानगढ़ धाम है वो किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा या कोटा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बांसवाड़ा। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर है बांसवाड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।
न्यू चाना किसान आंदोलन किस रियासत में हुआ था? जो न्यू चाना किसान आंदोलन हुआ था वो कहाँ से शुरू हुआ था और किस रियासत में हुआ? अलवर, भरतपुर, जयपुर, बूंदी। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर दिए, न्यू चना है वो अलवर में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा अलवर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बनाए गए थे किशनलाल जोशी, गोपीलाल यादव, ठाकुर देशराज, बाबू राज बहादुर। तो क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा गोपीलाल यादव, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। नवीन राजस्थान नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? जो नवीन राजस्थान समाचार पत्र हुआ था उसका प्रकाशन किसने किया था? विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, वासुदेव शर्मा, हरिभा उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर दिए कमेंट में, इसका राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विजय सिंह पथिक। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रधान का वह जिला जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय दोनों सीमा रेखाएं बनाता है, बीकानेर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर या भरतपुर। तो कमेंट में जो आंसर जल्दी जल्दी बताइए, 16 नंबर का आंसर बताइए जल्दी। उसका राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। जो अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा दोनों बनाता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान के साथ बनाता है और अंतर्राज्यीय सीमा हरियाणा के साथ बनाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तो बढ़ते हैं। राजस्थान में अमेरिकन कपास का उत्पादन किस जिले में होता है? जो अमेरिकन कपास है वो राजस्थान के किस जिले में उत्पादन होता है? उसका हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, झालावाड़ या सिरहाने। तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर, ऑप्शन नंबर बी। जो अमेरिकन कपास है वो श्रीगंगानगर में उत्पादित होता है। क्वेश्चन नंबर 18 तक बढ़ते हैं। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ किस जिले में स्थित है? श्रीगंगानगर, बीकानेर, अजमेर या हनुमानगढ़। तो इसका भी राइट आंसर क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा श्रीगंगानगर। जो बुड्ढा जोहड़ जिले जो जगह है वो श्रीगंगानगर स्थित में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 19, वार्षिक वर्षा की प्रतिशत मात्रा में अत्यधिक उतार चढ़ाव वाला जिला है? जो वार्षिक जो प्रतिशत होती है वर्षा की उसमें सबसे ज़्यादा जो उतार चढ़ाव होता है वो किस जिले में होता है? बांसवाड़ा में, जैसलमेर में, बीकानेर में या जालौर में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर में। जैसलमेर में सबसे अधिक वार्षिक जो प्रतिशत है वर्षा का उतार चढ़ाव है वो सबसे ज़्यादा जैसलमेर में होता है। तो इसका राइट आंसर जैसलमेर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस जिले किस स्थान पर है? जो प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है वो किस स्थान पर है? रामगढ़, फलौदी, प्रतापगढ़ या बैरासर। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा रामगढ़। जो प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना है वो रामगढ़ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, राजस्थान के किस जिले में पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? जो राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जहाँ पर सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम के भंडार मिले हैं? सीकर, बारा, नागौर या जालौर। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बारा। बारा में पेट्रोलियम के उचित और प्रचुर मात्रा में भंडार मिले हैं। क्वेश्चन नंबर 22, गोदाम लानी तहसील किस जिले में स्थित है? यहाँ केनर एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल का विशाल भंडार खोज निकाला है। जो गोदाम लानी तहसील है वो किस जिले में स्थित है? यहाँ केनर एनर्जी कंपनी का जो विशाल भंडार खोज निकाला है, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर या बीकानेर। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर दिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर। विश्व ख्याति प्राप्त राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध किस जिले से है? विश्व ख्याति प्राप्त हैं राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध किस जिले से है? सवाई माधोपुर, धौलपुर, भरतपुर या करौली। तो क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। जो राम गोपाल विजयवर्गीय का संबंध है वो करौली से है। क्वेश्चन नंबर 24, करौली रियासत की स्थापना किसने की थी? जो करौली रियासत है इसकी स्थापना किसने की थी? इसका तो आपको सबको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा अर्जुन सिंह, ऑप्शन नंबर डी, अर्जुन सिंह ने करौली की स्थापना की थी। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। राजस्थान राज्य की पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के तहत हस्तगत हुई थी? करौली, अजमेर, धौलपुर या सवाई माधोपुर। तो राजस्थान की ऐसी कौन सी पहली रियासत थी जो डॉक्ट्रिन ऑफ लॉस के तहत हस्तगत हुई थी?
राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 25 का, करौली, अजमेर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई माधोपुर। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। बाबा रामदेव का जन्म कहाँ हुआ था? जो बाबा रामदेव है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? अमरकोट, परबतसर, उधम काश्मीर, बाड़मेर या पौलीसन? तो उनका, बाबा रामदेव का जन्म हुआ था वो उधम काश्मीर बाड़मेर में हुआ था। बाबा रामदेव ने रुड़ीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? जो बाबा रामदेव जी थे उन्होंने रुड़ीचा गांव में जो कौन सा पंथ शुरू किया था? हिंदू पंथ, बेसड़ पंथ, जसप्रीत पंथ या कांवड़िया पंथ? तो इसका राइट आंसर दीजिए कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कांवड़िया पंथ। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। छोटा रामदेव राय किस राज्य में? जो छोटा रामदेव राय है वो किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, हरियाणा, गुजरात या उत्तर प्रदेश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। जो छोटा रामदेव राय है वो गुजरात राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 29, राज्य का रुड़ीचा मेला संतुष्ट समाज के लिए किस प्रकार की प्रेरणा देता है? जो रुड़ीचा मेला है वो रामदेव जी की स्मृति में हर साल मनाया जाता है, तो वो किसके प्रकार की प्रेरणा देता है? पवित्र जीवन की, निरंतर ईश्वर स्मरण का, सांप्रदायिक सामुदायिक व्यवहार का या सत्य बोलने का? तो मैं बता दूं, जो रुड़ीचा में जो रामदेव जी का मेला लगता है वो सांप्रदायिक सामुदायिक व्यवहार का प्रेरणा देता है, और इसमें तेरह ताली नृत्य का भी अहम योगदान है, जो आकर्षण का केंद्र है तेरह ताली नृत्य। अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। प्रसिद्ध लोक देवता गोगा जी का जन्म कब हुआ था? जो गोगा जी हैं उनका जन्म कब हुआ था? 1505, 1605, 1 या 2, 1 या 3 ईस्वी में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 या 3 ईस्वी में गोगा जी का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, बाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? जो बाबू जी उनकी घोड़ी जी का क्या नाम था? लीलम, मूमल, केसर कालमी या पैमल? तो बाबू जी की जो घोड़ी का नाम था वो केसर कालमी था, ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, केसर कालमी। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, राजस्थान में ऊँट के बीमार होने पर किस देवता की पूजा की जाती है? दोस्तों मैं बता दूँ, ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में पूछा गया है, पुलिस, पटवार, VSTC, BEd, कई परीक्षाओं में पूछा गया है। तो राजस्थान में जो इस पर इसमें अक्सर स्टूडेंट क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, वो गोगा जी को कराते हैं, लेकिन इसका या तेजा जी को कराते हैं। इसका राइट आंसर होगा जो क्वेश्चन नंबर 32 का, वो पाबू जी होगा। जो पाबू जी हैं उनकी पूजा की जाती है ऊँट के बीमार होने पर। देवा का मंदिर भरतपुर जिले के किस ग्राम में स्थित है? जो देवदा का मंदिर है वो भरतपुर जिले के किस गांव में स्थित है? जहाजपुर में, नगला जहाज में, रायपुर में, बयाना में? तो क्वेश्चन नंबर 33 का राइट आंसर दीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा नगला जहाज। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। कड़ी माता मंदिर में सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? कड़ी माता में मंदिर में दो तरह चूहे पाए जाते हैं, जिनमें सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? सूबा, कारा, कावा या काया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावा। दोस्तों बता दो, सफ़ेद चूहों के जो दर्शन होते हैं वो बहुत ही शुभ माने जाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। रेंज में कौन कौन जाता है? विवाहिता, मधु, मेहंदी नहीं लगा सकती? राजस्थान में ऐसा कौन सी जाति है? सॉरी, ये मिस्टेक से हो गई है, इसमें मुझसे लिखते समय गलत छप गया है, ये टाइपिंग करते में। तो रास्ते में से कौन सी जाति है जहाँ विवाहिता वधु मेहंदी नहीं लगाती है? मीना जाति, भट जाति, चरण जाति या बिरसा जाति? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरसा जाति की जो महिलाएं हैं वो विवाहिता मेहंदी नहीं लगाती हैं अपने हाथों पे। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान के किस जिले में ईसाई धर्मावलंबी धर्मावलंबियों की संख्या सबसे अधिक है? राजस्थान ऐसा कौन सा जिला है जहाँ से सबसे ज़्यादा ईसाई धर्म के लोग रहते हैं? पाली में, जयपुर में, अजमेर में या कोटा में? तो क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर दीजिए, क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अजमेर में। अजमेर में सबसे अधिक ईसाई धर्म वाले लोग पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, राजस्थान में पत्थरमार होली के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान में पत्थरमार होली कहाँ खेली जाती है? बीकानेर में, बाड़मेर में, अलवर में या सवाई माधोपुर में? तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर दीजिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर में। जो पत्थरमार होली है वो बाड़मेर की प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 38, राजस्थान की कला, साहित्य एवं संस्कृति में सर्वाधिक योगदान है ब्राह्मणों का, राजपूतों का, जैनियों का या भीलों का? तो साहित्य, कला एवं संस्कृति, उसमें राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी जाति का
योगदान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजपूतों का। दोस्तों राजस्थान पर राजपूतों का ही शुरुआत से शासन रहा है, तो राजपूतों ने का ही ज़्यादा योगदान रहा है कला शास्त्र साहित्य एवं संस्कृति में। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। निम्न में से किस त्यौहार का संबंध जैन धर्म से है? जो कौन सा त्यौहार है जो जैन धर्म से संबंधित है? इलजुला, होली, फ्रूसड़े या क्रिसमस डे? तो मैं बता दूं, जो जैन धर्म से संबंधित जो त्यौहार है इलजुला है वो मुसलमानों से है, होली है वो हिंदुओं से है, क्रिसमस डे है वो ईसाइयों से है, जो जैन धर्म से है वो है पर्युषण नामक त्यौहार जो जैन धर्म से संबंधित है। राजस्थान में आदिवासियों का सबसे आस्था केंद्र मेला कहाँ लगता है? जो आदिवासियों को कुंभ का मेला लगता है राजस्थान में, सबसे बड़ा मेला लगता है आदिवासियों का, वो कहाँ लगता है? दौसा में, बेड़ेश्वर में, आज आमेर में, भरतपुर में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेड़ेश्वर धाम, डूंगरपुर, क्वेश्चन नंबर 40 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में कपिल मुनि का मेला लगता है, जो कपिल मुनि उनका मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, करौली में, कोलायत, बीकानेर में या झुंझुनू में? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कोलायत, बीकानेर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42। चमड़े से बनाई जाने वाली कलात्मक वस्तुओं में नागरी और मोजड़िया जूतियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? जो जूतियाँ हैं, जो कलात्मक जूतियाँ बनाई जाती हैं वो चमड़े से, वो कहाँ की प्रसिद्ध हैं? मारवाड़ की और जैसलमेर, जयपुर व जोधपुर की, उदयपुर व सवाईमाधोपुर की, या इनमें से कोई नहीं? तो जो सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जूतियाँ होती हैं वो जयपुर व जोधपुर की हैं, जो कलात्मक वस्तुओं से बनाई जाती हैं उनकी, यहाँ की जूतियाँ बहुत ही ज़्यादा विश्व में सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, और जयपुर की चुनरी भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। तेरहताली नृत्य मुख्य रूप से किसके द्वारा किया जाता है? जो तेरहताली नृत्य है वो सबसे ज़्यादा किस जाति के द्वारा किया जाता है? जो मेन है, भील जाति की महिलाओं द्वारा, कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा, मीणा जाति की महिलाओं द्वारा, या इनमें से कोई नहीं? तो क्वेश्चन नंबर 43 का राइट आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा कांवड़ जाति की महिलाओं द्वारा तेरहताली का नृत्य किया जाता है, यह रामदेव जी के मेले में किया जाता है, यह आकर्षण का मुख्य केंद्र भी माना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। जैसलमेर के नरेश कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? जो जैसलमेर के जो राजा हैं वो कुल देवी के रूप में किस देवी की पूजा करते हैं? नागड़ेची, स्वांगिया देवी जी, कड़ी माता या अन्नपूर्णा? तो क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर होगा, क्या होगा कमेंट में जरूर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वांगी माता। जो जयपुर के नरेश हैं वो जयपुर के नरेश की कुल देवी हैं वो स्वांगिया माता हैं। क्वेश्चन नंबर 45। अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस हर वर्ष मनाया जाता है, कब मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस? 5 दिसंबर को, 2 दिसंबर को, 1 दिसंबर को या 6 दिसंबर को? इसका राइट आंसर कमेंट में दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 दिसंबर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान में सास बहू का मंदिर कहाँ है? सोमनाथ में, आहाड़ में, अर्थूनाम है या नागधाम है? जो सास बहू का मंदिर है वो नागधाम में स्थित है, नागधाम है जो सास बहू का मंदिर है, नागदा सीकर में। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। राजस्थान की कौन सी नदी को स्थानीय भाषाओं में बन की आशा कहा जाता है? राजस्थान की कौन सी नदी है जिसको स्थानीय भाषाओं में बन की आशा कहा जाता है? माही, बेकस, सोम या मेंथिया? तो इसका राइट आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 47 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेकस। जो मेकस नदी को बन की आशा कहा जाता है स्थानीय भाषाओं में। क्वेश्चन नंबर 48। ऊपरमाल क्या है? ऊपरमाला क्या है? उदयपुर की भोरट पठार है या चित्तौड़गढ़ व भीलवाला के बीच का पठारी भूमि है? अब्बू क्षेत्र का पठारी भाग है या नागौरी उच्च भूमि है? तो जो ऊपरमाल है वो चित्तौड़गढ़ व भीलवाला के बीच की पठारी भूमि को ऊपरमाल कहा जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन तो पढ़ते हैं। जवाई बांध स्थित है भीलवाड़ा जिला में, कोटा जिला में, पाली जिला में या जयपुर जिला में? जो जवाई बांध है वो किस जिले में स्थित है? तो क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पाली में। जो जवाई बांध है वो पाली में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। और लास्ट क्वेश्चन, मंकी वैली किसका नाम है? तो मंकी वैली है वो कहाँ पे स्थित है? नाहरगढ़ में, आमेर में, गलदाजी में या जयगढ़ में? तो इसका राइट आंसर रहेगा लास्ट क्वेश्चन का, गलदाजी। जो मंकी वैली है वो गलदाजी में स्थित है, गलदाजी जयपुर। यहाँ पर बंदरों की संख्या अधिक पाई जाती है इसलिए इसे मंकी वैली भी बोलते हैं। दोस्तों यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी स्टूडेंट है वो देख पाएँ। और चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि मेरी अगली वीडियो आए तो आप सबसे पहले देख पाएँ। मैं ऐसी एजुकेशन वीडियो बनाता रहता हूँ,
आप मेरे चैनल पर और भी वीडियो देख सकते हैं, बहुत सारी वीडियो आपको एजुकेशन से संबंधित मिल जाएंगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।